वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये हो गई मार्केट्स की स्ट्रेटजी। दिखाइए दोनों एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और साथ साथ पुणे से आशीष बहेती साहब जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। मानस साहब, क्या रीडिंग ऑफ मार्केट्स की 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट होता हुआ, कौन से स्टॉक्स पे भरोसा बढ़ रहा है? देखिए, मार्केट की रीडिंग की बात करें तो एक चीज क्लियर दिखती है कि लोअर लेवल पे आई थिंक बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा जिसमें शायद 17,300-17,325 तक के स्तर देखने को मिले, और जो मैंने मेंशन किया है कि 17,350 से लेकर 17,400 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करने की शायद कोशिश करेगा निफ्टी। और स्टॉक स्पेसिफिक भी देखिए तो दो बाय रिकमेंडेशन है इस टाइम मेरे पास। पहला तो लाल पैथलैब पे एक खरीदारी करने के मौके दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी 2650 के आसपास बॉटम बना लिया है। इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट 2730 के ऊपर देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक यहाँ पर लाल पैथलैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2724 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2875 तक के टारगेट आपको लाल पैथलैब में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक मेटल क्षेत्र से है, मेटल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए हिंदुस्तान कॉपर पे ध्यान देना है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पे आ गया है, करंट लेवल पे खरीदारी करिए 122 के स्टॉप लॉस से कम 131-132 के टारगेट के लिए। आशीष बहेती जी, आपके दो कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेंगे इस वक्त के, बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी का दो कन्विक्शन ट्रेड, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा, जिस हिसाब से रिलायंस ने आज बाउंस बैक दिया अपने 20 लेमा से, काफी इंप्रेसिव है, और हमें लगता है कि निफ्टी को यहाँ से अप मूव देने के लिए रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और जिस हिसाब से स्टॉकिस्टिक्स में हमें क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है नीचे के लेवल से, तो हमें लगता है कि रिलायंस में यहाँ से मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो 2630 के टारगेट के लिए रिलायंस में करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 2570 का रिलायंस में, और दूसरा स्टॉक जो है वो है GNFC का। ये हमने कल के शो में भी सुमित जी के साथ डिस्कस किया था, उसके टारगेट्स तो जरूर अचीव हो गए, बट हमें लगता है कि फर्टिलाइजर में यहाँ से भी अभी भी अप मूव देखने मिल सकता है। GNFC ऑलमोस्ट अपने नियर टू 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, तो 880 का स्टॉप लॉस लगाकर 930 के टारगेट्स के लिए GNFC में खरीदारी की सलाह है। रिलायंस याद रखिएगा, पूरी की पूरी इक्वेशन इस वक्त रिलायंस चेंज करता हुआ, और मैं इसके जो इंट्राडे के ऑप्शन स्टेट्स देख रहा था वो अच्छे खासे हैं। याद रखिएगा, रिलायंस अब अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ट्रेड करता हुआ। बस एक चीज गौर करनी है, जरा रिलायंस का चार्ट लेके आइएगा, 2600 पे यहाँ पे कॉल राइटर खड़ा है, वो इसको कैसे पार करता है, दैट्स द बिग थिंग। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, CNBC आवास का जो स्वामित्व प्रबंधन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो आप किसी भी कॉल से पहले प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए। चलिए अब विषय को बदलते हैं और इस मार्केट में बाजार में हो क्या रहा है, दिशा और दिशा कैसी लग रही है, FIS की अप्रोच, US में रेट हाई की प्रोसेस और कितनी स्ट्रांग और टफ रहेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री महेश पाटिल, CIO आदित्य बिरसल लाइफ AMC के मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर आप देखें पड़ाव पे आपसे बातचीत हो रही है। अर्निंग्स हमारी और अब तक की अर्निंग सीजन अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग नहीं रहा, दो नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आया, स्पेशली HDFC बैंक एंड इन्फोसिस, IT और अगर आप देखें बैंक में। US में फेड की बैठक से मई की बहुत 10 दिन लगभग 12 दिन पहले, और FIS के सेलिंग के आंकड़े बहुत बहुत सिवियर होते हुए 6300 करोड़ रुपए की सेलिंग एक सेशन में, आप सब मार्केट्स को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, कितना रिस्क अभी और आपको नजर आ रहा है अगले कुछ समय के लिए? महेश जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं?